जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं अमेजिंग सीक्रेट राज धर्म संस्कृति एवं ज्योतिष संबंधित चैनल, और आज हम लेकर आए हैं शिमला जिले के तातापानी क्षेत्र का विस्तृत इतिहास। तातापानी के पास जमोग ज्योरी में श्री जवदग्नि ऋषि का आश्रम था और सुनी में सहस्रबाहु की राजधानी थी। एक बार जब भगवान परशुराम जी मणिकरण के तप कुंड में नहा रहे थे, तो उन्हें अचानक ये आभास हुआ कि मेरे माता पिता पर सहस्रबाहु के पुत्रों ने अत्याचार किया है। ऐसी स्मृति आते ही शरीर बिना पहुंचे ही दौड़ पड़े। यहाँ आकर जब स्थिति ठीक जानी, तब उन्होंने वह धोती निचोड़ी थी। धोती का वही गर्म जल ही इस तातापानी क्षेत्र का तातापानी नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हुआ, जो अब तीर्थों के बराबर पुण्यदायक माना जाता है। इसी का नाम जमदग्नि क्षेत्र अर्थात तातापानी तीर्थ पड़ा है। इस क्षेत्र के पूर्व में शालीधर, पश्चिम में हरसिंहधर, उत्तर में पड़ेयुगधर और दक्षिण में देवीधर पड़ती है। यह तातापानी तीर्थ सतलुज के पश्चिम उत्तरी किनारे पर स्थित है। यहाँ ओशन जल के कई स्रोत निकलते हैं, जो बहकर सतलुज में मिल जाते हैं। यहाँ कोई कुंड या बावड़ी नहीं है, बल्कि सतलुज के तट पर रेत के बीच बनाए हुए टोबे के जल से स्नान करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा मकर संक्रांति या कोई पर्व काल, यहाँ स्नानार्थी श्रद्धालु जनों की बड़ी भीड़ रहती है। पास में ही श्री नरसिंह भगवान का बेहद प्राचीन मंदिर है। पास में पीपल वृक्ष के नीचे महादेव का छोटा लिंग विग्रह है। यहाँ नहाने से कोढ़ आदि शरीरगत रोग नष्ट हो जाते हैं और चित्त प्रसन्न हो जाता है। कोटलू खड, सुमा कोठी वाली छतरी पहाड़ियों से निकलती है। इसी पर छतरी मगर महादेव का बड़ा भव्य चित्रकारी युक्त मंदिर है। चेहरा खड शिकारी पहाड़ से निकलकर करसोग चेहरा गांव के पास सतलुज में मिलती है। यहां पर श्री माहुना की गुफा है। इस शिकारी पहाड़ की ऊंचाई 11,000 फुट है। यहाँ पर शिकारी देवी का भव्य मंदिर है और साथ ही सारानावली तालाब भी शीतलागाड़ चिराग की पहाड़ियों से निकलती है। शीतल गांव के पास सतलुज में समृद्ध होती है। चुराग पहाड़ी पर श्री आशन महादेव का देवरा है। सरौर खड शृंगी वराखड़ी पर्वत श्रृंखला से निकलकर तातापानी के पास सतलुज में जा मिलती है। इसके किनारे पर एक शिव गुफा है, जो बड़ी दर्शनीय है। इसके भीतर भगवान शंकर के बड़े तथा छोटे अनेक लिंग विग्रह हैं, जिन पर प्राकृतिक तौर पर जल स्वतः ही टपकता रहता है। नेरी गाड, निहिरी पहाड़, ट्रांच जंगल से निकलकर नेरी गांव के पास सतलुज में प्रविष्ट होती है। इस पहाड़ पर वाला टीका का आलय है। डहर खड सुंदर नगर की पहाड़ियों से निकलकर डहर के समीप सतलुज में जा मिलती है। शाकरा गांव के जाड़ी यक्षिणी देवी की मान्यता है। सतलुज पहले शाकरा के उत्तर से बहती रही, परंतु
छड़ी ढांक के गिरने से दक्षिण की ओर बहती है। इस छड़ी में पहले एक राणा भी रहता था। बल्हौन पहाड़ के सिद्धपीठ पर एक बल्हौनिया देव का स्थान है। बड़ेयुग पहाड़ के देवरे में श्री बड़ेयुग देवता पिंडी रूप में विराजते हैं। इस महुना क्षेत्र में सुकेत और बिलासपुर दो रियासतें थी। सुकेत का आखिरी राजा लक्ष्मण सेन हुआ, जो बंगाल से आए रूप सेन और श्याम सेन का वंशज। रूप सेन ने पहले रोपड़ को तथा श्याम सेन ने शिमला को बसाया था। रूप सेन वंशजों ने पहले शाकरा फांगड़ा में, फिर भोजपुर सुंदर नगर में राजधानी बसाई थी। यह सुकेत नामक शुकदेव जी के नाम पर पड़ा है। यहाँ उन्हीं की बेतप स्थली गुफा आज भी विद्यमान है। यह बड़ी उपजाऊ भूमि है। व्यास जी के नाम पर ही बिलासपुर पड़ा है। उनकी भी गुफा यहाँ आज भी विराजमान है। इसका असली पुराना नाम को हिरलूर था। इसके अंतिम राजा अनंत चंद हुए थे। ये चंदेल वंशज थे। कोट को हिरलूर सेना देवी में इसकी पुरानी राजधानी थी। बाद में बिलासपुर बनाया गया। पुराना बिलासपुर अब भाकड़ा बांध में समाहित हो गया है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।